नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने अध्याय पांच का छह पार्ट तक आपने पढ़ लिया। अब सातवां पार्ट जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है, अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे हम सातवें पार्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट पार्ट है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण की क्रियाविधि कि किस प्रकार से हम लिंग का निर्धारण करते हैं कि कौन सा नर होगा या कौन सा मादा। ठीक है, तो इससे इसको समझने से पहले हम समझेंगे कि कौन सा, कितने प्रकार के गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में। अगर हम मनुष्यों की बात करें तो मनुष्य में दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। इस 46 गुणसूत्र में से 44 को कहते हैं हम दैहिक, या हम इसे कायिक गुणसूत्र, कायिक गुणसूत्र भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं हम ऑटोसोम्स। और दो जो लास्ट का दो, 46 था ना, 44 हो गया, आखिरी का दो जो गुणसूत्र होता है उसे हम कहते हैं लिंग गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम, या इसे हम एलोसोम भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने जाना कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जिसमें से 44 को हम कहते हैं दैहिक या कायिक गुणसूत्र, और दूसरे जो दो आखिरी बचता है उसे हम कहते हैं लिंग गुणसूत्र या एलोसोम्स। अगर हम इसको पेयर में कर दें तो कहलाएगा 23 जोड़ी, ये कहलाएगा ना 23 जोड़ी गुणसूत्र। 23 जोड़ी में से 22 जोड़ी हम इसे कह सकते हैं, तो 22 जोड़ी को कहते हैं दैहिक गुणसूत्र, और एक जोड़ी जो आखिरी का बचता है उसे, एक जोड़ी को कहते हैं हम लिंग गुणसूत्र। दैहिक गुणसूत्र नर और मादा दोनों में समान होता है, नर और मादा दोनों में दैहिक गुणसूत्र 44 गुणसूत्र एकदम समान होते हैं, लेकिन लिंग गुणसूत्र नर और मादा में अलग अलग होता है। नर में लिंग गुणसूत्र एक्स वाई दो गुणसूत्र होते हैं ना, एक एक्स दूसरा वाई गुणसूत्र होता है। मादा में दो गुणसूत्र होते हैं एक्स एक्स, दोनों समान प्रकार के एक्स एक्स। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, इसको याद रखिएगा कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। इसको अगर जोड़ी में करेंगे तो 23 जोड़ी, 44 जोड़ी, 44 गुणसूत्र या 22 जोड़ी गुणसूत्र कहलाता है दैहिक या कायिक गुणसूत्र, आखिरी दो गुणसूत्र या एक जोड़ी गुणसूत्र कहलाता है लिंग गुणसूत्र। 44 जो गुणसूत्र होते हैं वो नर और मादा में दोनों एकदम समान होते हैं, जिन्हें कहते हैं दैहिक गुणसूत्र। लेकिन आखिरी का जो दो लिंग गुणसूत्र होता है वो नर में अलग होता है, मादा में अलग होता है। नर में एक्स वाई होता है और मादा में एक्स एक्स होता है। ठीक, ये था मनुष्य के बारे में। अब इसके हम टाइप्स देखेंगे कि लिंग निर्धारण की क्रियाविधि, कि लिंग निर्धारण को हम कैसे कैसे लिंग निर्धारित कर सकते हैं अलग अलग जीवों में। तो सबसे पहला हम विधि देखेंगे गुणसूत्रों द्वारा, गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण, गुणसूत्रों द्वारा किस प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है। इसमें पहला टाइप आता है एक्स 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 वाई गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण। एक्स एक्स और एक्स वाई लिंग गुणसूत्र द्वारा लिंग निर्धारण किसमें किसमें होता है, तो हम पहले एग्जांपल देख लें कि किसमें किसमें एक्स एक्स और एक्स वाई लिंग गुणसूत्र द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। वह होता है मनुष्यों में एवं मनुष्य और ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला मक्खी। मनुष्यों में एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप गुणसूत्र पाया जाता है लिंग गुणसूत्र, और ड्रोसोफिला मक्खी में भी लिंग गुणसूत्र एक्स एक्स और एक्स वाई पाया जाता है। दोनों में, नर में एक्स वाई पाया जाता है और मादा में एक्स एक्स पाया जाता है। ठीक, एक्स एक्स मादा में पाया जाता है और नर में पाया जाता है एक्स वाई। इन्हें हम कहेंगे जनक। जब इनसे बनेगा युग्मक, और हमने बताया है कि युग्मक बनते समय हमेशा अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका विभाजित होकर, एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिका बनाती है, इन दोनों कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी जाती है। इसी प्रकार से नर में
ये जो नर का कोशिका है जिससे युग्मक बनेगा उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा और नए बने कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी जाती है इस प्रकार से। ठीक है, अब ये मादा है ये नर है, मादा युग्मक नर युग्मक के साथ मिलेगा बनाएगा एक्स एक्स, मादा युग्मक नर युग्मक के साथ मिलेगा बनाएगा एक्स वाई, ये इससे मिलेगा बनाएगा एक्स एक्स, ये इससे मिलेगा बनाएगा एक्स वाई। तो यहां पर देखिए एक मादा नर, मादा और फिर नर, एक्स एक्स और एक्स वाई गुणसूत्र द्वारा जब लिंग निर्धारण होता है या एक्स एक्स और एक्स वाई गुणसूत्र द्वारा हमेशा 50% नर और 50% मादा बनते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से लिंग निर्धारण मनुष्यों और ड्रोसोफिला मक्खी में की जाती है। ठीक, तो ये था पहला टाइप एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप। अगला आता है एक्स एक्स और एक्स जीरो टाइप, एक्स जीरो या इसे को हम एक्स ओ भी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है कि सिर्फ एक एक्स गुणसूत्र हो, दूसरा गुणसूत्र अब्सेंट नहीं पाया जाता, अनुपस्थित होता है, जिसको हम जीरो से डिनोट कर सकते हैं। इसका एग्जांपल ये किसमें किसमें पाया जाता है, तो याद रखिएगा ये पाया जाता है टिड्डी में, ग्रासहॉपर, उसके बाद खटमल और कृमियों में पाया जाता है, वर्म्स में। ठीक, एक्स एक्स और एक्स ओ ये पूछा जाता है, एग्जांपल बताइए कि एक्स 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 जीरो टाइप गुणसूत्र लिंग निर्धारण किसमें पाया जाता है, तो टिड्डी खटमल कृमि आदि जीवों में पाया जाता है। इनमें मादा में, इनमें मादा में एक्स एक्स गुणसूत्र होता है लेकिन नर में सिर्फ एक एक्स गुणसूत्र होता है, दूसरा गुणसूत्र अब्सेंट होता है जिसे हम जीरो से डिनोट करते हैं। इनसे युग्मक बनेगा एक्स एक्स, इनसे युग्मक बनेगा एक्स ओ, ये इससे मिलेगा बनेगा एक्स एक्स, इससे मिलेगा बनाएगा बनेगा एक्स जीरो, एक्स 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 ओ। तो यहां पर भी देखिए ये बना मादा, ये नर, ये मादा, ये नर, इसमें भी 50% नर बनेंगे 50% मादा बनेंगे। ठीक है, मतलब चार है तो चार में दो बन रहा है मादा, दो बन रहे नर, तो प्रतिशत कितना आया 50% नर और 50% मादा। ये एग्जांपल है एक्स एक्स और एक्स जीरो का। ठीक, तो ये पूछा जा सकता है कि एक्स एक्स और एक्स जीरो टाइप गुणसूत्र किसमें पाया जाता है, टिड्डी खटमल और कृमि में। पूछा जाएगा कि एक्स एक्स और एक्स वार ओ में नर में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, तो नर में गुणसूत्र पाया जाता है एक्स ओ, मादा में एक्स एक्स। ठीक, तो ये दूसरा हो गया गुणसूत्र द्वारा लिंग निर्धारण। अब हम आते हैं तीसरे विधि पर। तीसरा विधि है जेड डब्ल्यू जेड जेड, जेड डब्ल्यू जेड जेड गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण। जैसे मनुष्यों में आंतरिक गुणसूत्र एक्स एक्स और एक्स वाई पाया जाता था, उसी तरह से कुछ ऐसे और कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें आखिरी लिंग गुणसूत्र जेड डब्ल्यू और जेड जेड पाया जाता है। ठीक, अलग प्रकार का है। तो किसमें जेड डब्ल्यू और जेड जेड टाइप का गुणसूत्र पाया जाता है, तो उसके एग्जांपल है कीटों में पाया जाता है, मछलियों में, सरीसृपों में पाया जाता है। इन सब में जेड वाई जेड जेड टाइप गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें मादा में, इन सब के मादाओं में, इन सब के मादाओं में जेड डब्ल्यू गुणसूत्र पाया जाता है और इनके नर में जेड जेड गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, अब इनसे युग्मक बनेगा, युग्मक बनते समय जेड इसमें डब्ल्यू इसमें, इनसे युग्मक बनेगा जेड जेड, ये इससे मिले बनेगा जेड जेड, ये इससे मिले बनेगा जेड जेड, इससे मिलेगा बनेगा जेड डब्ल्यू, इससे मिलेगा बनेगा जेड डब्ल्यू। ठीक, ये बनेगा नर, ये बनेगा नर, मादा और मादा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूछा जा सकता है कि जेड डब्ल्यू जेड जेड प्रकार का गुणसूत्र द्वारा लिंग निर्धारण किसमें होता है, मकीटों में, मछलियों में और सरीसृपों में।
ठीक। इसमें यह पूछा जा सकता है कि बताइए जेड डब्ल्यू जेड जेड गुणसूत्र किस में पाया जाता है, तो मादा में जेड डब्ल्यू पाया जाता है और नर में जेड जेड पाया जाता है। ठीक, तो इतना आपको समझना था, इजी है ये सारी चीजें, इजी है। उसके बाद आता है चौथा टाइप, चौथा गुणसूत्र के प्रकार द्वारा जेड जीरो व जेड जीरो व जेड जेड गुणसूत्रों द्वारा। इसका एग्जांपल तितलियों में, ठीक है, तितली मौत आदि जीवों में, आदि जीवों में जेड ओ और जेड जेड गुणसूत्र द्वारा लिंग निर्धारण होता है। सोचते हो कि मौत क्या होता है, आप सभी ने मौत देखा है, अगर नहीं देखा है तो गूगल पे आप सर्च कर लीजिए, इमेज आपको मिल जाएगा। मौत एक प्रकार का कीड़ा होता है, बहुत ही शांत प्रकार का होता है, जिस जगह पर दीवार पर चिपका रहता है उसी जगह पर चिपका ही रहता है, आप कितना हटाने की कोशिश करो हटता नहीं है, ठीक है, तो ये मौत होता है। तो इस प्रकार का जेड जीरो जेड जेड गुणसूत्र द्वारा लिंग निर्धारण होता है तितलियों मौत में और अन्य जीवों में। इनमें मादा में, इनमें मादाओं में सिर्फ एक गुणसूत्र पाया जाता है जेड, दूसरा गुणसूत्र अब्सेंट होता है, जैसे पहले मैंने बताया था अनुपस्थिति को हम जीरो से दर्शाते हैं। ठीक, नर में दो जेड जेड गुणसूत्र होते हैं, जेड ओ जेड जेड, इनके मिलने से जेड जेड, इनके मिलने से जेड जेड, इनके मिलने से जेड जीरो, इनके मिलने से जेड जीरो। ठीक, ये बनेगा नर, ये बनेगा नर, ये बनेगा मादा, ये बनेगा मादा। ठीक, तो इस प्रकार से ये आपका गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण खत्म हो गया, जिसमें ये आखिरी था जेड जीरो जेड जेड टाइप। यहां पर भी क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जा सकता है कि बताइए एग्जांपल कि जेड जीरो जेड जेड टाइप किसमें पाया जाता है, तो पाया जाता है तितलियों और मौत में। इनमें तितलियों में नर में कौन से गुणसूत्र होते हैं जेड जेड, मादा में कौन से होते हैं जेड जीरो। ठीक, लिंग गुणसूत्र की बात की जा रही है। तो ये था आपका एक टॉपिक कि लिंग निर्धारण हम कैसे करते हैं गुणसूत्रों के माध्यम से। अब गुणसूत्रों के अलावा भी एक माध्यम है, ठीक, तो चलिए उसको भी देखते हैं। यह हम गुणसूत्र का ही माध्यम है, बिंपल आपको बता दें, वो है द्विगुणित आगुणित क्रियाविधि। द्विगुणित आगुणित क्रियाविधि लिंग निर्धारण की ये एक अनोखी प्रकार की विधि है, जिसमें द्विगुणित और आगुणित विधि के द्वारा हम लिंग का निर्धारण करते हैं। ये किस में पाया जाता है, एग्जांपल कुछ चींटियों में, मधुमक्खियों में और भी कई जीवों में पाया जाता है। इसमें हम मधुमक्खी का एग्जांपल देंगे। इन सब प्रकार में, मधुमक्खी चींटी में, इन सब में तीन प्रकार के जीव होते हैं। एक कहलाती है रानी मधुमक्खी, के बारे में बात करें तो रानी मधुमक्खी, इसे हम इंग्लिश में क्वीन कहते हैं, ये होती है द्विगुणित। रानी मधुमक्खी द्विगुणित होती है, 2n, इसमें गुणसूत्र की संख्या समान होता है। दूसरा आता है श्रमिक मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी जिसे इंग्लिश में कहते हैं वर्कर बी, ये भी होते हैं द्विगुणित। जैसे मनुष्य हम लोग क्या है, द्विगुणित है, वैसे ये भी द्विगुणित होते हैं, मतलब इनमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। लेकिन जो तीसरा आता है जिसे हम कहते हैं नर या ड्रोन, इंग्लिश में ड्रोन कहते हैं, इसमें आगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है, आधा गुणसूत्र पाया जाता है, आधी संख्या होती है गुणसूत्रों की। तो इस प्रकार से मधुमक्खियों के तीन जीव के बारे में आप याद करिए, तीन जीव कौन कौन से हैं, रानी मधुमक्खी, श्रमिक और ड्रोन। रानी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, पूरी द्विगुणित, मतलब इसमें गुणसूत्रों की संख्या 32 होता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 32, लेकिन इसमें कितना होता है, सिर्फ 16 गुणसूत्र होता है, क्योंकि ये आगुणित होता है। तो तीन प्रकार के जीव होते हैं, रानी मधुमक्खी, श्रमिक और नर। इनमें से जो रानी मधुमक्खी होती है, एक छत्ते में सिर्फ एक होती है और पूरे छत्ते पर राज करती है। श्रमिक मधुमक्खी जो होते हैं वो श्रम बहुत करते हैं, इसीलिए इनका नाम रखा गया श्रमिक। श्रम का मतलब इनका कार्य सिर्फ एक होता है, फूलों से नेक्टर को लाना बस, ठीक, और मधुकर बनाना, और इनके अलावा इनका कोई कार्य नहीं है।
और जो नर होते हैं ड्रोन, या भी लगभग मधुमक्खी में सिर्फ एक होते हैं, और ये नर जो होते हैं वही मादा रानी मधुमक्खी के साथ निषेचन की क्रिया करते हैं, ठीक है, और नर का कोई काम नहीं होता, नर सिर्फ मादा रानी के साथ मिलन का कार्य करता है और संतान उत्पन्न करता है, ठीक है। तो आइए इसमें देखते हैं, क्वीन रानी में द्विगुणित अवस्था है 2n, और रानी के, और मैंने बताया आपको रानी के और ड्रोन के मिलने से, ड्रोन के इससे रानी से पहले क्या बनेगा, युग्मक बनेगा, इसे हम मादा युग्मक कहेंगे। तो रानी मधुमक्खी में युग्मक बनते समय अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होने के कारण इसमें से जब युग्मक बनता है तो गुणसूत्र की संख्या n हो जाती है, मतलब आधी हो जाती है, अर्धसूत्री है, आधा हो जाएगा। लेकिन ड्रोन से जब युग्मक बनता है, ड्रोन से जब युग्मक बनता है, तब यहां पर चूंकि पहले से ही आधा गुणसूत्र है, अगर इसमें हम अर्धसूत्री विभाजन कर दें तो n by 2 हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो पहले से ही यह आधा है, इसलिए यहां पर अर्धसूत्री विभाजन ना होकर यहां होता है समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन होगा तो इनसे जब युग्मक बनेगा तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाएगी n, ठीक। अब नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से या तो रानी मधुमक्खी बन सकती है 2n, n प्लस एन 2n बन सकता है, या फिर श्रमिक बन सकता है n प्लस एन 2n, ठीक। तो आप सोच रहे हैं कि ड्रोन कब बनता है, तो याद रखिएगा कि ड्रोन बिना नर युग्मक के रानी के मादा युग्मक से ही, रानी के मादा युग्मक से बिना निषेचन के, बिना निषेचन मतलब बिना नर युग्मक के मिलने से ही डायरेक्टली अकेले ही ये बना लेती है ड्रोन। रानी मधुमक्खी को कोई आवश्यकता नहीं है नर युग्मक की, बस नर युग्मक की आवश्यकता तब होती है जब श्रमिक को उत्पन्न करना होता है या रानी मधुमक्खी को उत्पन्न करना होता है अपना वंश बढ़ाने के लिए, नहीं तो अन्यथा ये रानी अकेले ही ड्रोन पैदा कर सकती है बिना निषेचन के, बिना इसके इन्वॉल्व के ही अकेले अपने मादा युग्मक से डायरेक्टली ये बिना निषेचन के ड्रोन उत्पन्न कर देती है, और ये क्रिया है निषेचन। देखिए यहां निषेचन हो रहा है, मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक मिल रहे हैं, तब ये या तो ये बनता है, ये बिना निषेचन के जब कोई संतान उत्पन्न हो जाए मादा युग्मक से बिना निषेचन के कोई नर संतान, कोई संतान उत्पन्न हो जाए, तो इस क्रिया को हम कहते हैं अनिषेक जनन, इंग्लिश में कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस क्या कहलाता है कि जब बिना निषेचन के, बिना नर युग्मक के मादा युग्मक अकेले ही अपने समान संतान उत्पन्न कर ले, तब उसे हम कहते हैं अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस। उसी प्रकार से मैंने आपको पौधे में भी बताया है, पार्थिनोकार्पी अनिषेक फलन, बिना निषेचन के ही पुष्प से फल का निर्माण हो जाता है, तब उसे कहते हैं अनिषेक फलन या पार्थिनोकार्पी। ये मैंने आपको चैप्टर सेकंड में बताया है, ठीक। तो ये था गुणसूत्रों के माध्यम से किस प्रकार से हम लिंग का निर्धारण कर सकते हैं, ठीक। तो आज का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है, लिंग का निर्धारण कैसे हुआ। उसके बाद अगले टॉपिक में आपको आगे मेंडल के डिसऑर्डर्स, रोगों के बारे में बताऊंगा, ठीक, जो आनुवंशिक रोग होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो यदि आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया है तो प्लीज एंड प्लीज इसको लाइक कर दिया करिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, उस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। तो क्वेश्चन ये है कि ZW ZZ प्रकार का लिंग निर्धारण किस में होता है, ठीक। क्वेश्चन सेकंड, जब मादा युग्मक से बिना निषेचन के ही नया संतान उत्पन्न हो जाए तब उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ठीक। तीसरा क्वेश्चन कि जब बिना निषेचन के फूल से फल का निर्माण हो जाए तब उस क्रिया को क्या कहते हैं। इजी है, मैंने सब आपको बताया है, आप इसको आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है, जल्द से जल्द। और
लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।